वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरी दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो केवल इस बुक को ही फॉलो करते हुए बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इस बुक के बाहर कुछ एग्जाम्पल भले ही दे दूं बट मेरा फोकस हमेशा इस बुक के हर टॉपिक वाइज ही होता है। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा जो इस बुक में दिया हुआ है। टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आपको एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये बुक पहले पता होनी चाहिए। ये बुक आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दुनिया भर से आप पढ़ के आएँ लेकिन आपको जब बुक पढ़ें तो आपको समझ में ना आए कि यार ये मेरी बुक में किधर लिखा है। तो इसलिए मेरा फोकस हमेशा इस बुक ही रहेगा। इसमें चाहे जो भी टॉपिक हो, जो भी क्वेश्चंस हो, इवन एग्जाम्पल, मैं वो सारा इस बुक का ही बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 16 है तो ये मैं 16 एग्जाम्पल भी आपको बताऊँगा। तो ये मेरा अप्रोच रहता है थ्रू आउट फॉर कंसाइज मैथमेटिक्स और कंसाइज फिजिक्स बुक दोनों के लिए, ठीक है। तो ये अप्रोच मेरा रहता है। आई मीन कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्लाई टू दोस। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? x विद इन ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 24। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है x x माइनस 5 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 24। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, याद करिए मेरा पुराना वाला केस जहां पे केस नंबर 2 में मैंने बताया था ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट साइड टू गेट एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी इसको मैंने ट्रांसपोज किया, मतलब कन्वर्ट किया, लेफ्ट साइड लाया और फिर इसको मैंने कन्वर्ट किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो हमारा ये फॉर्मेट हो गया। बस अब तो बड़ा ईजी हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अपने को ऐसे देखना है कि 5 और 28 को अगर हम लोग ऐसे लिखें कि अगर उसको प्लस माइनस करें तो एक वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो दूसरी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 8 प्लस 3 माइनस 8 इंटू 3। तो माइनस 8 प्लस 3 हो जाएगा 5 और 8 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 24 माइनस 8 इंटू 3, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और इसमें अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 8 इसमें से लिया तो ये x बचा, इधर भी x माइनस 8 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, इधर बचा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बस जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, ZPR क्या था, जीरो प्रोडक्ट रूल, जहाँ पे हम लोग x प्लस 3 x माइनस 2 को हम लोग जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 3 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इधर माइनस 3 और 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी, इस क्वेश्चन में ट्रिक थी कि यू नीड टू सॉल्व दिस एंड कन्वर्ट दैट इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरी ये थी। तो ये थी हमारी ट्रिक, ठीक है।